हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए और न्यू वीडियो। आज की वीडियो फ्रेंड्स फैन के ऊपर है। जो कार में फैन लगा रहता है उसमें एक प्रॉब्लम आती है, उसमें आवाज आने लग जाती है। मैं आपको दिखा देता हूं कैसी टाइप की प्रॉब्लम है। तो जैसे ही हम फैन को ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स स्लो स्पीड पे तो ये ठीक चलता है, बट जैसे ही थोड़ा सा फास्ट करेंगे, 2 से ऊपर इसको करेंगे, तो इसमें आवाज आने लग जाएगी। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की, पूरा जो डैशबोर्ड होता है वो वाइब्रेट करने लग जाएगा और इसमें बहुत तेज़ आवाज़ आने लग जाएगी। हवा का जो फ्लो है वो बहुत कम हो गया है फ्रेंड्स, और जो वाइब्रेशन और आवाज़ आ रही है इसमें से बहुत तेज़। आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ, ये जैसे ही मैं 4 पे करूँगा बहुत आवाज़ आएगी। तो फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को हम ठीक करते हैं, ये कैसे आई है फ्रेंड्स इसको भी डायग्नोस करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको ग्लव बॉक्स खोलना है। तीनों स्क्रू टाइट हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स मैं इस सॉकेट को लगा देता हूं। तो फ्रेंड्स हमारा सॉकेट भी लग चुका है। अब एक बार हम फ्रेंड्स फैन चला के इसको टेस्ट कर लेते हैं। चाबी लगाओ। ऑन कर। एक और स्टेप बस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बिना कट करे चला के दिखाता हूँ इसको। तो फ्रेंड्स ये चल चुका है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है, कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स फ्लो भी काफ़ी बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई भी नॉइज़ नहीं हो रही है। जो पहले वाइब्रेशन हो रहा था पूरे डैशबोर्ड में, अब कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा है और अच्छे से चल रहा है। अब फ्रेंड्स हम अपना ग्लव बॉक्स लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पे फंसाएंगे। इसमें फंसने के बाद आप देख सकते हैं लग चुका है फ्रेंड्स, इसको पकड़ना, इसको दोनों तरफ प्रेस करके अंदर की साइड ऐसे लगा दें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए।